Assalamualaikum alaikum everyone. I hope you all are doing well and in the state of good health and Iman. Myself, Dr. Mahanurul Taf. Welcome back to the OPD course series 3. Today we are going to discuss about urinary tract infection. What are the types of UTI? What is its presentation and causes? How to treat it and how to diagnose it. Each and everything we will discuss in this video. So let's get started session. यूनिरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो कि हमारे पास फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स व इट इज़ कॉमन इन फीमेल्स तो उसकी रीज़न ये है बिकॉज यूरिथ्रा का साइज जो है वो शॉर्टर होता है लेंथ में सो so फीमेल्स में जो है यूटी आई जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स हमारे पास जो है यूरिरी ट्रैक के सेवरल पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट रीजन पर इन्फेक्शन होता है और उनके नेम्स भी डिफरेंट हैं आगे हम देखेंगे कि यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन सी हमारे पास पार्ट्स आती हैं और उन इन्फेक्शन को हम क्या कहती हैं हमारे पास जो ब्लैडर इन्फेक्शन है वो बहुत कॉमन है जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं अगर वो इन्फेक्शन हमारा ब्लैडर से असेंड करके किडनी की तरफ चला जाता है तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं इट इज़ एनदर टाइप ऑफ यू टी आई यूटीआई इन्फेक्शन हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो स्किन या रेक्टम के थ्रू जो है यूरिथ्रा में जाता है अगर ये जस्ट को इफेक्ट कर रहा है उसे हम यूरिथ्राइटिस कहते हैं अगर ये इन्फेक्शन असेंट कर जाता है ब्लैडर की तरफ चला जाता है तो उसे हम ब्लैडर इन्फेक्शन कहते हैं और सिस्टाइटिस भी कहते हैं और समटाइम्स क्या होता है कि ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो किडनीज़ में चला जाता है और किडनीज़ में जाकर इन्फेक्शन कोस कर देता है उसे हम पाइलोनेफ्राइटस कहते हैं और अगर ये पाइलोनेफ्राइटस जो है अगर हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं वो ट्रीट नहीं हो रहा तो हो सकता है कि पेशेंट का जो है अपसेस बन गई है किडनी के अंदर जिसे हम पेरीनेफ्रिक कहते हैं पेरीनेफ्रिक एप्स कहते हैं इसमें बेसिकली एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी पेशेंट की सिम्टम्स जो हैं रिलीफ नहीं होती तो उस केस में क्या हमें ड्रेनेज करवाना पड़ता है अब हमें पता चला कि यूटीआई में कौन कौन से इन्फेक्शन इंक्लूड हो सकते हैं यूरोथराइटस हो सकता है इसके अलावा ब्लैडर का इन्फेक्शन है तो सिस्टाइटस हो सकता है थर्ड वन इज पाइलोनीफ्राइटस एंड फोर्थ वन इज पेरीनेफ्रिक एब्सेस हो सकता है अगर ये प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया है मेल्स में तो उसे हम प्रोस्टाइटस कहते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कोज बनते हैं प्रीवियस यूटीआई की पेशेंट की हिस्ट्री है सेक्सुअली एक्टिविटी चेंजेस इन बैक्टीरिया डेट लिव इनसाइड द वजाइना और वजाइनल फ्लोरा कुछ हमारे पास वजाइना के अंदर बैक्टीरिया होते हैं माई के अंदर और जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स का यूज़ करी हैं साइड्स का यूज़ करी हैं उससे क्या होता है कि बैक्टीरियल चेंजेस आ जाते हैं बैक्टीरियल चेंजेस आने की वजह से यूटीआई होने के चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी में हो सकता है एज रिलेटेड फैक्टर हो सकता है स्ट्रक्चुरल प्रॉब्लम्स आ गई हैं स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया है यूटीआई के इन लार्ज पोर स्टेट हो गया है और पुअर हाइजीन है दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या शो हो होती हैं यू के अंदर अब हमारे पास फीचर्स जो हैं वेरी सिम्टम्स है, यूरोथराइटस के अंदर आपको सिम्टम्स चेंज देखने को मिलेंगी सिस्टाइटस में थोड़ी बहुत जो है ना चेंजेस आती हैं यूरोइटस में और सिम्टम्स होंगी सिस्टाइटिस में हमारे पास और होंगी किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी सिम्टम्स सेपरेट होंगे और इसके अलावा अगर पेरीनेफ्रिक अपसेस हो गया तो उसकी भी सिम्टम्स कुछ ना कुछ वेरी करेंगी मोस्टली मिलती होंगी बट कुछ एक दो सिम्टम्स ऐसी होंगी जो डिफरेंट होंगी एक दूसरे से तो देख लेते हैं यूरोराइटस सबसे पहले हमारे पास आता है यूरिथराइटस अगर यूरीथरा तक ही जस्ट इन्फेक्शन है तो उसे हम यूरोइटस कहते हैं उसमें बेसिकली क्या होगा जो सिम्टम्स ब्लैडर इन्फेक्शन के अंदर शो हो रही हैं वही होगी जस्ट एक चेंज आएगा कि यूरीथरल डिस्चार्ज भी होगा और जो यूरीथरा के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हमारे पास होता है क्लैपसी <coughs> इसके अलावा हमारे पास जो इन्फेक्शन होता है वो होता है गनोरिया ये दो इन्फेक्शन होते हैं अब इनका देख लेते हैं अगर क्लैपेला बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वाइटिश डिस्चार्ज होगा अगर गनोरिया हुआ है तो पेशेंट का जो यूरिथरल डिस्चार्ज है वो येलोइश होगा येलोइश डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा डेक्स देख लेते हैं ब्लैडर इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे पेन और बर्निंग वाइल यूरिनेटिंग बर्निंग में होगी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगी पेशेंट को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी फीलिंग द नीड टू यूरिनेट डिस्पाइट हैविंग एन एम्पटी ब्लैडर पेशेंट जो है ना अर्ज होगा पेशेंट को यूरिनेट का बट एम्पटी ब्लैडर होगा ब्लड भी आ सकता है यूरिन में प्रेशर और क्रैम्पिंग इन द ग्राउंड और लोअर एबडोमिन लोअर एबडोमिन के रीजन पर और ग्रोइन रीजन के ऊपर पेशेंट को प्रेशर और क्रैम्पिंग होगी और सुप्राफ्यूबिक पेन भी होगी और हमारे पास जो ब्लैडर इन्फेक्शन है सिस्टाइटिस है इसके अंदर आपने हमेशा याद रखना है कि पेशेंट को फीवर नहीं होगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ किडनी इन्फेक्शन कैन इंक्लूड किडनी इन्फेक्शन के अंदर भी यही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे बट हमारे पास एक चीज़ ये आएगी कि, कि पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा चिल्स होंगे लोअर बैक पेन और पेन इन द साइड ऑफ योर बैक होगी नोज़िया और वॉमिटिंग भी होगी ये चार फीचर्स आपको किडनी के इन्फेक्शन में साथ ये भी देखने को मिलेंगे अगर पेशेंट का फीवर जो है एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी नहीं जा रहा इट्स मीन कि हमारा जो पाइलोनफ्राइटिस है वो असेंड कर गया है प्रोग्रेस कर गया है और पेशेंट को पेरीनेफ्रिक अपसेस हो गया है पर्स फिल्ड सेल्स जो हैं वो वहाँ पर किडनी के अंदर बन गई हैं इन्फेक्शन जो है ना प्रोग्रेस कर गया है क्लासिफिकेशन अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो सवेरिटी की बेस पर है अब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड यू टी आई इन्फेक्शन हो सकता है और अनकॉम्प्लिकेटेड अगर आपको ये फाइव पीस देखने को मिलते हैं तो इट्स मीन आपने हमेशा इसे कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इंक्लूड करना है पेनस मेल अगर आपके पास कोई आ रहा है यूनिरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ तो ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है बिकॉज मेल्स के अंदर जो है Yuritra जो है हमारे पास लेंथ में ज़्यादा होता है अगर वो इन्फेक्शन हुआ है मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड है प्रेगनेंसी में अगर फीमेल्स या प्रोस्टेट का थेटर वग़ैरह का प्लास्टिक का थेटर अगर प्लास्टिक का थिएटर असोसीटेड यू टी आई है उसे भी हम कंसिडर करेंगे कॉम्प्लिकेटेड यू टी आई के अंदर और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड यू टी यू टी आई की तरह ही होगा वो हम लोग आगे देखेंगे कि अगर तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड यू टी आई होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा पुअर कंट्रोल डायबिटीज पेशेंट का डायबिटीज के साथ आ रहा यूटिया ये हुआ है इसके अलावा प्रोसीजर लाइक ट्यूब वगैरह कोई इंसर्ट की गई है ट्रैक के अंदर तो ये फाइव पीस अगर आपको देखने को मिले या पेशेंट में तो आपने उसे हमेशा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के अंदर कंसीडर करना है दूसरा अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई को कौन सा होगा उसके अंदर आपको ये फाइव पीस देखने को नहीं मिलेंगे इसके अलावा इट इज़ कन्फाइंड टू ब्लैडर इन्फेक्शन नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोसिस किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है तो उसके अंदर हम लोग करवाते हैं यूरनालिसिस ये हमारे पास इनिशियल टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हम इसमें जो है ना मिड स्ट्रीम सैंपल प्रेफर्ड करते हैं बिकॉज इनिशियल स्ट्रीम के अंदर जो है ज़्यादा बैक्टीरिया होती हैं और यूरनालिसिस के थ्रू जो है ना हमें पाए यूरिया का पता चलता है इसमें क्या होता है अगर तो पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि लीकोसाइट लीकोसाइट एस्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव होगा लीकोसाइट एस्ट्रेस पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इक्वल टू और ग्रेटर देन होंगे वाइट ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स, सेल्स, सेल्स फाइव पर, पर हाई पावर फील्ड पर हाई पावर फील्ड ये हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर पेशेंट को यूटीआई है तो लिकोसाइट स्ट्रेस पॉजिटिव होगा और इसके अलावा जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फाइव इक्वल टू फाइव और ग्रेटर देन फाइव होंगे हाई पावर फील्ड अब हमारे पास आ जाता है अब हम लोग यूरनालिसिस के थ्रू जो है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का बिक्टेरिया है अगर तो पीएच पेशेंट की जो है हमारे पास पीएच जो है वो ग्रेटर देन एट आ जाती है इट्स मीन कि कौन सा बिक्टेरिया है जिसने इन्फेक्शन कोस किया है वो है प्रोटियस और प्रोटियस जब भी इन्फेक्शन कोस करेगा पंजेंट स्मेल होगी यूरन की इसके अलावा क्या होगा कि ये जो इंजाइम है वो यूरिएस प्रोड्यूसिंग एंजाइम होते हैं डेट प्रोड्यूस अमोनिया अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा यूरन की जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाती है अगर तो हमारे पास रिपोर्ट के अंदर जो है नाइट्राइड्स प्रेजेंट है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जो के यूटीआई के अंदर नाइट्रेट्स को नाइट्राइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं अगर नाइट्राइड्स देखने को मिला है आपको रिपोर्ट में नाइट्राइड्स तो इट्स मीन के कौन सा बैक्टीरिया है ई e. कोलाई बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कोज किया है इसके अलावा देख लेते हैं हमारे पास जो है कौन से डायग्नोसिस प्रोसीजर आ जाते हैं अब हमने याद रखना है कि यूनैलिस के थ्रू जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यू और यही हम लोग मोस्टली टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं इसमें हमें पाई का पता चलता है और अगर यूलिकोसाइट एस्ट्रेस पॉजिटिव है इसके अलावा हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स इक्वल टू और ग्रेटर देन ग्रेटर देन फाइव हाई पावर फील्ड है वो पॉजिटिव हैं तो उसमें भी हम लोग यूटीआई को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं इसके अलावा अगर पीएच हमारी ग्रेटर देन एट है तो हमारे पास प्रोटीयस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कोस किया है अगर नाइट्रेट्स कन्वर्ट इनटू टू नाइट्राइट्स तो एक बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कोस किया है ये हमारे पास है इसे हम बैक्टेरियल इन्फेक्शन का भी पता हमें चल सकता है और यूनैलिस गिव ऑल डैट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरन कल्चर टेस्ट अब यूरन कल्चर टेस्ट जो है ना बहुत कम परफॉर्म करवाया जाता है ये तब परफॉर्म करवाया जाता है अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है जो हमने पहले फाइव पीज देखे हैं पायलोनेफ्राइटस है पायलोनेफ्राइटस से पेशेंट को पेरीफिक नेप, हो गया है तब करवाया जाता है हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्रेंट यू ट्रैक इन्फेक्शन है एनाटॉमिक <coughs> और फंक्शनल एबनॉर्मिलिटीज यूटीआई के अंदर जो स्ट्रक्चुरल और फंक्शनल एबनॉर्मिलिटीज अगर आ गई हैं तो भी हम यूरिन कल्चर करवा सकते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं इमेजिंग इमेजिंग जो है ना बेसिकली हम लोग मोस्टली परफॉर्म नहीं करवाते हैं अगर आपको सस्पेक्ट है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या किडनी में स्टोन्स वगैरह हैं देन हम लोग रेडियोग्राफिक इमेजिंग की तरफ जाते हैं अगर तो हम लोगों को इमेजिंग से नहीं एक्सरे वगैरह से नहीं पता चल रहा तो देन हम लोग सी टी स्कैन विद और विदाउट कंट्रास्ट भी करवा सकते हैं ये हो गया डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूनैलिस कल्चर और इमेजिंग के थ्रू हम यू टी आई को रूल आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट को जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब हमारा ट्रीटमेंट भी जो है हमारे पास यूटीआई के इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग है अगर यूरिथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हुआ है यूरिथ्राइटिस हुआ है तो हमारे पास इसके अंदर जो है टू रेजिमन ट्रीटमेंट होता है हमारे हम इसे दे सकते हैं पेशेंट को सेप्ट्रिक जोन दे सकते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं सेप्ट्रिक जोन कितना देना है टू फिफ्टी मिलीग्राम इंट्रामर देना है साथ वन ग्राम अजिथ्रो ओरली वन डोज नेक्स्ट इसके अलावा अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं दे चाहते या पेशेंट को एलर्जिक है पेशेंट सेंसिटिव है तो हम ये दे सकते हैं डॉक्सी साइक्लिन हंड्रेड मिलीग्राम पर ओरली बी डी फॉर सेवन डेज साथ हमने देना है एजिथ्रो वन ग्राम पर ओरेली केस ऑफ यूरो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सस्टाइटस के अकॉर्डिंग सिस्टाइटस अगर पेशेंट को है ब्लैडर इन्फेक्शन है तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं एक आ जाता है अनकॉम्प्लिकेटेड और दूसरा आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड अगर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तो हमारे पास जो इसका ट्रीटमेंट है वो कितनी देर तक चलेगा थ्री टू फाइव डेज तक के लिए चलेगा और हम इसके अंदर ये तीन ड्रग्स दे सकते हैं नाइट्रोफोरन टॉइन हंड्रेड मिलीग्राम फॉर फाइव डेज या हम दे सकते हैं ट्राई सल्फा मेथेज पर ओरली फॉर थ्री डेज उसके अलावा फोस्फोमाइसिन थ्री ग्राम वन डोज ओनली भी यूज करवा सकते हैं अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस है तो ये ट्रीटमेंट जो है सेवन टू फोर्टीन डेज तक चलेगा और सिप्रो दे सकते हैं फाइव मिलीग्राम पर ओरली फॉर बी डी सल्फा मेथेक्ल वन सिक्सटी पर एट हंड्रेड मिलीग्राम पर ओरली बी डी सेफ्टेक्ोन देंगे वन ग्राम आई वी ट्वेंटी फोर आर अब और का मतलब आपने रिमाइंड में रखना है कि इनमें से हम लोग कोई भी ड्रग दे सकते हैं ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ये सारी तीनों की तीनों ड्रग्स पेशेंट को देनी है प्रिस्क्राइब करनी है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाइलोनेफ्राइटिस अब पाइलोनेफ्राइटिस में दो चीज़ें आती हैं नो कि हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस जो है एक कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है आउट पेशेंट अगर पे आपके पास है या इन पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट वेरी कर रहा है आउट पेशेंट है पेशेंट तो सिप्रो देंगे 500 मिलीग्राम पर ओरली बी डी फॉर सेवन टू फोरटीन डेज इसके अलावा ट्राई मेथोप्रिल सल्फा मेथक् पर ओरली फॉर बी डी फोर सेवन टू फोटीन डेज इन पेशेंट है सेप्ट्रिक जोन देंगे वन ग्राम आई वी फोर फोरटीन डेज फोरटीन डेज के लिए जो है पेशेंट को आई वी के थ्रू जो है सेफ्ट्रिक जोन लगेगा अमाइनो दे सकते हैं जो कि हमारे पास मार्किंग में जेंटा माइसिन के नाम से आता है फाइव मिलीग्राम पर किलोग्राम पर आई बी एवरी ट्वेंटी फोर आरली देना है अब हमारे पास पाइलोनफ्राइटस है पाइलोनफ्राइटस से अगर पेशेंट को पेरी नेफ्रिक पेरी नेफ्रिक अपसेस है तो अब हम इसमें क्या करेंगे जो हमारा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है सेम यही रहेगा जस्ट हमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी ड्रेनेज करवाना होगा सो so, भी वही ट्रीटमेंट है उसके बाद देख लेते हैं रिकंट यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन अगर तो पेशेंट का यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार रिकंट हो रहा है सिक्स मंथ के अंदर जो खैर दो या दो से ज्यादा बार हो गया है तो उसे हम रिकंट यूटीआई कंसीडर करते हैं अगर पेशेंट को यूटीआई जो है वन ईयर में थ्री या थ्री से ज़्यादा हो गया है तो उसे भी हम रिकरेंट यूटीआई टी कंसिडर करते हैं अब इसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कीमो प्रोफाइल एक्सिस का कर यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूस प्रोफाइल एक्सिस होता है दूसरा होता है इंटरमीडियट प्रोफाइल एक्सिस अब जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस प्रोफाइल एक्सिस है इसमें हम लोग ट्राई मेथोप्रिन हंड्रेड मिलीग्राम पर ओरली और डी देते हैं वंस डेली देंगे नाइट्रोफोरन टाइम दे सकते हैं फिफ्टी टू तो हंड्रेड मिलीग्राम पर ओरली और वंस डेली और हम लोग यूज़ कर पा सकते हैं फोस्फोमाइसिन थ्री ग्राम पर ओरली वंस एवरी टेन डेज इंटरमीडियन प्रोफाइल ये हमारे जो कॉन्टीन्यूस प्रोफाइल है इसका जो ट्रीटमेंट है ट्वेल्व थ्री टू फोर मंथ्स तक चलता है इंटरमीडियट प्रोफाइल लेक्स में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं अगर तो फीमेल को यूनिट ट्रैक की इन्फेक्शन की जो है सिम्टम्स आ रही हैं तो देन हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्राई मेथोप्रिन सल्फामेथेक्ल फोर्टी पर टू हंड्रेड पर ओरली वन टू टू टेबलेट्स वंस डेली सेफ्लेक्स डेलीफलेक्सन टू फिफ्टी मिलीग्राम पर ओरली वंस डेली या हम यूज कर सकते हैं नाइट्रोफर फिफ्टी टू हंड्रेड मिलीग्राम वंस डेली कॉन्टीन्यूस प्रोफाइल एक्सिस एंड सेकेंड वन इज इंटरमीडियंट प्रोफाइल एक्सिस इंटरमीडियंट प्रोफाइल एक्सिस जो है अगर पेशेंट को रिक्रंट जो है यूटीआई हो रहा है तो आफ्टर इंटरकोर्स जो है ये टेबलेट लेनी है one to two tablets ले सकते हैं टी एम पी एस एम एक्स और या तो जब पेशेंट को सिम्टम्स शो हो रही है यूटीआई की तब भी पेशेंट ये टेबलेट्स ले सकता है इंटरमीडिएट प्रोफाइल एक्सिस में इस तरह से यूज करनी होती है ये रहा हमारा आज का लेक्चर एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस की यूटीआई को डिस्कस किया यूटीआई जो है फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है अब हमारे पास यूनियर ट्रैक इन्फेक्शन की डिफरेंट सेवरल पार्ट्स होते हैं जो बैक्टीरिया जिस पार्ट को इन्फेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है यूरथराइटस होता है सिस्टाइटस होता है इसके अलावा पायलोनीफ्राइटस एंड लास्ट वन इज़ पेरीनेफ्रिक एब्सेस एबसेसिस फैक्टर्स क्या हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी क्लासिफिकेशन क्या है कॉम्प्लिकेटेड यू टी आई है अनकॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लिकेटेड में हमारे पास ये फाइव पीज आ जाते हैं डायग्नोसिस हम लोग यूरनालिस यूरिन कल्चर या इमेजिंग के थ्रू कर सकते हैं ट्रीटमेंट हमारा यूरोइटस का हमने डिस्कस किया का ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो डिस्कस हमने किया इसके अलावा एंड लास्ट पर हमने देखा रिकरंट यूटीआई में कौन कौन सी हम लोग मेडिकेशन देंगे और कौन सी रेजिमेंट को हम लोगों ने फॉलो करना है इट्स ऑल डन फ्रॉम माय साइड इफ यू पीपल द कमेंट बॉक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज फोर में आपसे मुलाकात होगी टेक केयर अल्लाह हाफि